नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम होंडा की अमेज के साथ में स्कोडा की रैपिड को कंपेयर करने वाले हैं, जिसे हाल ही में स्कोडा ने लॉन्च किया है। आई एम श्योर ये आप सभी को मालूम ही होगा। होंडा की अमेज के पेट्रोल मैनुअल में टॉप एंड वेरियंट को हम स्कोडा की रैपिड के बेस वेरियंट के साथ में कंपेयर करेंगे। वैसे तो इन दोनों गाड़ियों का सेगमेंट अलग अलग है दोस्तों, और इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर स्कोडा ने अपनी रैपिड को लॉन्च किया है वो प्राइस, वो कीमत जब आप सुनेंगे और जो खूबियों के साथ में ये गाड़ी आती है उन सभी चीज़ों को सुनने के बाद में आप होंडा की अमेज को डेफिनेटली भूल जाएंगे। अपने प्राइस के दम पर स्कोडा की रैपिड सब 4 मीटर का जो कॉम्पैक्ट सेडान का सेगमेंट है उसमें फोर्ड की एस्पायर, मारुति की डिज़ायर, होंडा की अमेज और हुंडई की ऑरा, इन सभी गाड़ियों को ऑलरेडी चुनौती दे रही है। इन सभी के अलावा ये अपने सेगमेंट में भी एक बेहतरीन पावर फिगर्स के साथ में इसका इंजन आता है दोस्तों। इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी हुंडई की ऑरा और मारुति डिज़ायर के साथ में स्कोडा की रैपिड का कंपैरिजन वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में मैं अपने सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा और वीडियो ख़त्म होने से पहले हमेशा की तरह आपको दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप भी बताऊंगा, जिसकी वजह से आप ये डिसीजन ले पाएंगे, सही फैसला कर पाएंगे कि आपको होंडा की अमेज लेनी चाहिए या फिर स्कोडा की रैपिड। क्या आपको ऐसे लगता है दोस्तों कि होंडा की अमेज रैपिड के मुकाबले आपको एक बेहतरीन और सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? क्या आपको ऐसे लगता है कि इन दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है वो प्राइस गैप आपको होंडा अमेज की अलावा स्कोडा की रैपिड को लेने पर मजबूर कर सकता है? क्या आपको ऐसे लगता है कि होंडा की अमेज बेहतर है या फिर स्कोडा की रैपिड ही एक बेहतरीन और सुपीरियर कार है? दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय का मुझे हमेशा इंतज़ार होता है, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, हाइट के मामले में अमेज रैपिड से लगभग 35 mm ज़्यादा बड़ी है, वहीं रैपिड अमेज से लेंथ में 418 mm, विड्थ में मात्र 4 mm और व्हील बेस में लगभग 82 mm ज़्यादा बड़ी है। तो है ना रैपिड एक बेहतरीन कार, जिसने पहले सेक्शन से ही अपने आप को बेहतर साबित करना शुरू कर दिया है दोस्तों। आगे मुड़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं अगली चीज़ की, दोनों गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो जहां पर आपको अमेज में मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि 90 पीएस की पावर जनरेट करता है 6000 आरपीएम पर और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4800 आरपीएम पर, वहीं रैपिड में अब आपको नया 1.0 यानी कि 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 110 पीएस की पावर जनरेट करता है 5250 आरपीएम पर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 4000 आरपीएम पर। यहां पर भी इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इस सेक्शन में भी रैपिड क्लियरली विनर साबित होती है, क्योंकि होंडा अमेज का इंजन आपको कम पावर और कम टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोनों गाड़ियां बिल्ड क्वालिटी के मामले में कैसी है। एक नज़र डालेंगे हम कर्व वेट पर, जिसे जानकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा दोस्तों कि दोनों गाड़ियों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत और बेहतरीन है। जहां तक अमेज का सवाल है दोस्तों, इसका वज़न केवल 921 किलोग्राम का है, वहीं रैपिड का वज़न है 112 किलोग्राम से लेकर 138 किलोग्राम तक। अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि यहां पर भी रैपिड बाजी मार ली जाती है, क्योंकि रैपिड वज़न के मामले अमेज से लगभग 191 किलोग्राम से लेकर 217 किलोग्राम तक ज़्यादा भारी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए लगे हाथों दोनों गाड़ियों के हम ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जहां तक अमेज में दोस्तों आपको अप्रॉक्सीमेटली 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं स्कोडा के रैपिड आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। यहाँ पर भी मामला लगभग बराबरी का है दोस्तों, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है।
आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं टर्निंग रेडियस पर। एक गौर करें तो जहां रैपिड में आपको मिलता है 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं अमेज में आपको 4.5 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सेक्शन में और टर्निंग रेडियस के मामले में अमेज रैपिड से थोड़ा आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो अमेज में जहां पर आपको केवल 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं रैपिड में आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और हमेशा की तरह जहां पर फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है दोस्तों, तो हम दोनों गाड़ियों के माइलेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अमेज में आपको मिलता है लगभग 18.6 KMPL का माइलेज, वहीं स्कोडा की रैपिड आपको ऑफर करती है 19 KMPL का माइलेज। तो यहाँ पर भी मामला लगभग बराबरी का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरी राय में यहाँ पर स्कोडा की रैपिड जीत जाती है, क्योंकि ज़्यादा वजन, ज़्यादा पावर आउटपुट, ज़्यादा टॉर्क, ये सभी चीज़ें होने के बावजूद भी रैपिड आपको अमेज से थोड़ा ही सही लेकिन बेहतर माइलेज ऑफर कर रही है। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर अमेज में आपको केवल 420 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं स्कोडा की रैपिड आपको 460 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है दोस्तों। और ये जाहिर सी बात है क्योंकि ऑफकोर्स लेंथ और व्हील बेस बड़ा होने की वजह से आपको यहाँ पर लगभग 40 लीटर का ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द व्हील्स दोस्तों, और बात करते हैं अलॉयज के बारे में। तो जहां पर अमेज के टॉप एंड वेरिएंट में आपको 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं स्कोडा की रैपिड बेस वेरिएंट होने की वजह से आपको 15 इंचेस के स्टील रिम ऑफर कर दी है दोस्तों। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि यहां तक लगभग हर एक चीज़ में स्कोडा की रैपिड ने हर एक सेक्शन में अमेज के ऊपर जीत पाई है और अपने आप को बेहतर साबित किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस पूरे वीडियो में कौन जीतेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे हमेशा उसका इंतज़ार होता है। इसके अलावा दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि दोनों गाड़ियों में हमें कौन से कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से जो दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन मिलता है, वो है दोस्तों दोनों गाड़ियों में आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री कॉमन मिल जाती है, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिल जाता है। बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी स्कोडा की रैपिड में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको चारों के चारों पावर विंडोज मिल जाएंगे, टिल्ट पावर स्टीयरिंग का फीचर भी आपको मिल जाता है। दोनों गाड़ियां आपको रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर ऑफर करती हैं। दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं दोस्तों। उसके अलावा सेफ्टी के मामले में दोनों गाड़ियां आपको मिनिमम ड्यूअल एयरबैग, साथ में ABS प्लस EBD और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स ऑफर करती हैं। आगे मुड़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं अमेज में मिलने वाले कुछ फीचर्स के बारे में जो आपको रैपिड में देखने को नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है ये लिस्ट लंबी हो सकती है क्योंकि अमेज का वेरिएंट जो है वो टॉप एंड वेरिएंट है और स्कोडा का रैपिड बेस वेरिएंट है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से, तो इसमें आपको LED DRS मिल जाती हैं, फ्रंट फॉग लैंप मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑटो फोल्ड ORVMs आपको मिल जाएंगे, 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं दोस्तों, साथ ही साथ आपको गाड़ी में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। होंडा की अमेज में आपको 7 इंच का डिजीपैड 2 टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलेगा अलॉन्ग विद ऑल द नेसेसरी और बेसिक फीचर्स जैसे कि AM/FM, USB, ब्लूटूथ, ऑक्सन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह वगैरह। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अमेज में आपको पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिल जाएगा, डे नाइट IRVM मिल जाएगा और रियर व्यू पार्किंग कैमरा मिल जाता है। अमेज का ये जो वेरिएंट है दोस्तों, जो कि VX वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट पेट्रोल में, रैपिड से ये लगभग 53,000 रुपीस महंगा आता है। जब इस 53,000 रुपीस को मैं तराजू में इन सभी 10-11 फीचर्स के साथ में तोल कर देखता हूँ, तो मुझे ये फीचर्स 53,000 रुपीस के अगेंस्ट में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर अमेज हमें कुछ बेहतरीन टॉप नॉच सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 6 एयरबैग्स हमें ऑफर कर देती, CVT ट्रांसमिशन के साथ में इसी वेरिएंट में अगर सेम प्राइस में हमें ये मिल जाती, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाता, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स अगर हमें मिल जाते, तो शायद ये 53,000 रुपीस की जो एक्स्ट्रा प्राइस अमेज हमें ऑफर करती है, देनी पड़ती है अमेज के लिए, ये जस्टिफाई हो जाती। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है दोस्तों, क्योंकि आप पैसा भी ज़्यादा मांग रहे हो और फीचर्स भी नहीं दे रहे हो, वहीं उससे कम प्राइस में स्कोडा रैपिड हमें बहुत कुछ ऑफर करती है दोस्तों। आगे मुड़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं स्कोडा की रैपिड में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको होंडा की अमेज में देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों,
और सबसे पहला फीचर है दोस्तों, बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी स्कोडा की रैपिड में आपको टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी मिल जाता है पावर स्टीयरिंग में। उसके बाद में आपको मिलते हैं स्टेनलेस स्टील स्कफ प्लेट जिस पर रैपिड की ब्रांडिंग है। उसके बाद में आपको गाड़ी में मिलेंगे ड्यूअल टोन इंटीरियर्स। आगे मुड़ते हैं तो स्कोडा की रैपिड में आपको प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल विद बेस्ट फिट एंड फिनिश ऑफर किया जाता है दोस्तों। डस्ट एंड पोलन फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। डेड पेडल फुटरेस्ट आपको मिल जाएगा। रियर एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे रैपिड में, और सुपीरियर बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इन सारे फीचर्स की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि जो स्कोडा की रैपिड है वो होंडा से एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर अमेज में आपको मिलती है मात्र 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी, वहीं रैपिड में आपको 4 साल 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी, 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस, और 4 साल या फिर 60,000 किलोमीटर तक 4 लेबर फ्री सर्विसेज एट द इंटरवल ऑफ 15,000 किलोमीटर और वंस इन अ ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी स्कोडा की रैपिड का वारंटी ऑफर बहुत ही बेहतरीन है अमेज से, और इस सेक्शन में भी स्कोडा की रैपिड डेफिनेटली विनर साबित होती है। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो के कंप्लीट सेक्शन का, जो कि है प्राइस गैप। प्राइस गैप बताने की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैं कोट करूँगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, अमेज का जो 1.2 लीटर पेट्रोल का VX मैनुअल टॉप एंड वेरिएंट है, एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 8,01,930 रुपये तक का, जो कि स्कोडा की रैपिड से लगभग 53,000 रुपीस महंगा है। वहीं रैपिड का जो पेट्रोल बेस वेरिएंट है, राइडर जिसे बोला जाता है, मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको केवल मिलेगा 7,49,000 रुपीस का, जो कि अमेज से 53,000 रुपीस सस्ता है। और इस एडिशनल कॉस्ट में, यानी कि जो 53,000 रुपीस का कॉस्ट होंडा हमसे ले रही है, उसमें ना वो कोई हमें टॉप नॉट सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, ना ही कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के कोई बेस्ट फीचर्स ऑफर करती है, ना ही हमें एक बेहतरीन बिल्ड लाइक ए टैंक बेस्ट बिल्ड क्वालिटी जैसे कि ऑलरेडी स्कोडा की है वैसे दे पाती है। तो फिर इतने एक्स्ट्रा पैसे हमें अमेज पर बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरे हिसाब से इस सेक्शन में भी स्कोडा की रैपिड बाजी मार ली जाती है। अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि मेरी मायने में स्कोडा की रैपिड यहाँ पर क्लियर विनर साबित होती है, जो कि हमें एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी ऑफर करती है, बेटर प्राइस पॉइंट पर आती है, बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, बूट स्पेस के साथ में गाड़ी का केबिन स्पेस बेहतर ऑफर करती है, बेटर इंजन परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट अलॉन्ग विथ रिफाइनमेंट आपको ऑफर करेगी, बेटर राइड एंड हैंडलिंग आपको ऑफर करती है, बेटर कम्फर्ट, बेटर फिट एंड फिनिश, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बेस्ट वारंटी ऑफर के साथ में ये आती है। ये सारी चीज़ें आपको होंडा की अमेज में नहीं मिलेंगी दोस्तों। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं अपने लिए, खुद के लिए स्कोडा की रैपिड को लेना डेफिनेटली पसंद करूंगा। लेकिन अब ये आपको तय करना है कि आप रैपिड लेना चाहते हैं या फिर होंडा की अमेज। आपने क्या चुना, स्कोडा की प्रीमियम कार जो कि एक प्रीमियम ब्रांड है, या फिर अमेज? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतज़ार रहता है। आज के वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस फाइट में दोनों में से कौन सी गाड़ी जीती, इस राय का भी मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।